उनके संघर्ष की जीत हुई है लगातार। वो अपनी बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने जो अपील की है और लगातार उन्होंने कहा है कि जो आपकी मांगे वो मान ली गई है, आप मुझसे वार्ता करिए। और इसको लेकर आंदोलन स्तर पर भी घुसी और आपसे कुछ देर बाद ये जैसे ही इनको बात यहाँ से जेल से निकले हैं और 20 तारीख से हम लोग जेल में हैं। आज हमको रिहा किया गया है, तो हमें अभी जो हमारा आंदोलन चल रहा है, जो समाज आंदोलन चल रहा है, आंदोलन स्थल पर पहुँचने वाले हैं। मुख्यमंत्री का संदेश भी है कि आप आओ वार्ता करो। तो हम चाहते हैं नवंबर 2013 से कि आरक्षण पर काम आगे बढ़ना चाहिए और समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। तो आज हम इन आंदोलन स्थल पर जाकर के अब जो हमारी जो बातचीत हुई है प्रशासन से, जो मुख्यमंत्री से वार्ता होनी है, लाला क्लाउड नीचे करियो, से वार्ता होनी है, उसके लिए हम चल रहे हैं। और अभी हम वहाँ आंदोलन स्थल पर नहीं, हम तो नवंबर 2013 से माली सैनी कुशवाहा शाह के मौर्य समाज राजस्थान प्रदेश में 17 नामों से जाना जाता है। इसके लिए जनसंख्या के अनुपात में हम 12% आरक्षण मांग रहे हैं, क्योंकि हमने प्राइवेट गणना की है, सरकार सर्वे कराए, जितना बनता है हमारा उतना दे। पिछले आंदोलन से क्या सबक लिया आपने? नहीं, वो तो ये है कि हम लोगों ने आज से नहीं, पहले से भी हमने कोशिश की है। और अब भी मान लो सरकार फैसला नहीं करती है, तो हम आगे भी आंदोलन करें। एक मिनट रुको रुको रुको, मंत्री वार्ता के लिए तैयार है क्या? आप भी तैयार हो? एक मिनट रुको। नहीं, मुख्यमंत्री तैयार है, मुख्यमंत्री की सूचना आई है, मुख्यमंत्री तैयार है, आज ही वार्ता होनी है। नहीं, वो तो ये है कि समाज जैसा चाहेगी कि भाई मुख्यमंत्री वार्ता के लिए बुला रहा है और जो फैसला होना है, हम चाहते हैं कि आरक्षण का फैसला होगा तो जाम खोला जाएगा। सर, ऐसी भी सूचना है कि सरकार की ओर से ही हो रहा है ये आंदोलन? नहीं, ये गलत है। नहीं, सरकार पर तो अब ये लगाए जा रहे हैं समय है, सरकार को तो उसका हाईवे जाम है 4-5 दिन से, तो सरकार को तो हाईवे खुलवाना है, इसलिए सरकार बात कर रही है, नहीं तो सरकार तो नवंबर 2013 से हमको फैसला कर देती। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।